दोस्तों, अगर आप रेलवे का एनटीपीसी या रेलवे का जेई या एसएससी का जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ई बुक बना के रखा हूँ। जैसे कि जनरल साइंस का है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स का है, ये सारे ई बुक बना के रखा हूँ। टेक्निकल बुक चाहिए, इंजीनियरिंग बुक चाहिए तो भी बना के रखा हूँ। इम्पोर्टेंट ई बुक एमसीक्यू क्वेश्चन को वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, रेलवे का जो 2019 में भर्ती निकल के आने वाला है, रेलवे मिनिस्टर के द्वारा भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था, 1.3 लाख पोस्ट आपको निकल के आने वाला है। जो निकल के आएगा पोस्ट, वो एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट होने वाला है। एनटीपीसी के अंदर एएसएम, टीसी, ग्रुप डी और लोको पायलट, ये सारे उसके अंदर रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा, इससे पहले एक नोटिस जारी किया गया था। दोस्तों, ये नोटिस देख सकते हो, ये नोटिस जारी किया गया था सारे जनरल मैनेजर को। रेलवे बोर्ड जारी किया था सारे जनरल मैनेजर को, क्योंकि यहाँ पे उनका कितना रिक्वायरमेंट है वो लोग उनको वो इन्फॉर्म करेंगे, कि ताकि उनका एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकल सकता है। जो आपकी ORIMS पोर्टल खोला जाएगा, वो 11 फरवरी से यहाँ पे 14 फरवरी तक यहाँ पे पोर्टल खोला जा रहा है। तो दोस्तों, क्या ये सच है कि फाइनली 23 तारीख जो बोला जा रहा है, 23 फरवरी में जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस आने वाला है, उसी के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट फाइनल नोटिफिकेशन आ सकता है? उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या है रियलिटी, उसी कब तक ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ सकता है 1.3 लाख जो एनटीपीसी का भर्ती। बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगेगा जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इससे पहले जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट आया था, जूनियर इंजीनियर और डीएमएस सीएमए का रिक्रूटमेंट जब निकल के आया था, ऐसे ही एक नोटिस जारी किया गया था सारे जनरल मैनेजर को। सारे जनरल मैनेजर को नोटिस जारी किया था, जिसमें आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट कितना है, कौन सा जोन में कितना पोस्ट जरूरी है, उसी के लिए यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया था। उसका डेट भी देख सकते हो, ये नोटिस आप लोग को दिखा रहा हूँ। जिस नोटिस जब जारी किया था और यहाँ पे लिखा गया था जिस डेट में आपकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने वाला था, दोस्तों फाइनली उसी डेट में रेलवे जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आ गया था ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। आपकी 12/12/2018 को फाइनली नोटिफिकेशन आ गया था। तो दोस्तों, उसी हिसाब में अगर इसी को हम भरोसा कर सकते हैं, इसको अगर हम मान सकते हैं उसी डेट में आया था, तो दोस्तों देख सकते हो उसी ऐसा ही एक नोटिस सर्कुलर जारी किया गया था 5 फरवरी को सारे जनरल मैनेजर को, सारे जनरल मैनेजर को। और यहाँ पे ORIMS पोर्टल जो खोलेगा 11 फरवरी से 14 फरवरी तक, उसी के अंदर यहाँ पे उन लोगों ने रिक्वायरमेंट रखेंगे कौन सा जोन में कितना पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो फाइनली लिखा गया है, नोटिफिकेशन फॉर दिस टू बी इशूड विद इन दिस मंथ। दोस्तों, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे दिस मंथ मतलब ये फरवरी मंथ में अगर ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा, तो यहाँ पे फरवरी का लास्ट वीक जो है 23 फरवरी को यहाँ पे फाइनली नोटिफिकेशन आ सकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं 100% यहाँ पे फाइनल नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सर्कुलर जारी हुआ था, ये ऑफिशियली जारी हुआ था और 11 फरवरी से 14 फरवरी उनका रिक्वायरमेंट रहेगा। और दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर ऑफिशियली नोटिफिकेशन प्रिपेयर हो जाएगा। प्रिपेयर होने के बाद यहाँ पे 23 फरवरी को हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट जैसे कि जूनियर इंजीनियर का जब भी नोटिफिकेशन आया था, ऐसा ही सर्कुलर जारी किया गया था रेलवे के तरफ से, और फाइनली उसी डेट में ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया था। तो दोस्तों, इसी हिसाब में हम इसको भी मान सकते हैं, जो लास्ट वीक ऑफ फरवरी जो 23 तारीख को बोला जा रहा है कि 23 तारीख तक यहाँ पे नोटिफिकेशन आ सकता है, तो दोस्तों ये मान के चलिए 23 तारीख तक फाइनली नोटिफिकेशन आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, उसी हिसाब में आप लोग को तैयारी रखना पड़ेगा, आप लोग को खुद का डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना पड़ेगा। उसके साथ दोस्तों, आप लोग को ऐसा मिलेगा कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% डिस्काउंट भी इस बार
10% रिजर्वेशन आप लोगों को भी रखा जाएगा। दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, रेलवे का जो एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट आने वाला है ये कब तक आ सकता है उसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट नोटिस। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।